जिस तरह से कक्षा पहले से आठवीं तक जो 48% कोर्स कम किया गया वो हमने हमारे चैनल पर बताया था, और नौवीं से बारहवीं तक जो 40% कोर्स कम किया गया वो हमने बताया, यानी पहले से बारहवीं तक जो कोर्स कम किया गया कोरोना के कारण वो सारा का सारा हमारे चैनल पर बताया है। उसी तरह से इस वीडियो में कक्षा सातवीं का जो हम आपको बता रहे हैं, सातवीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर आपके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तथा उर्दू चार आपके लैंग्वेज है, इसके अलावा विज्ञान विषय भी इसके अंदर समाहित है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे 48% कोर्स कम किया गया वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जो आपके शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम हम बताने जा रहे हैं। कक्षा सातवीं से हिंदी का सबसे पहले बताएंगे, आप राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देख सकते हो आपके स्क्रीन पेज संख्या एक है। इसी तरह से आपके स्क्रीन पेज आगे से आगे बढ़ता जाएंगे, तीन चार पेज में आपके हिंदी हो जाएगी, उसके बाद में तीन चार पेज में इंग्लिश, और उसके बाद में आपके संस्कृत और विज्ञान, और उसके बाद में उर्दू आपको बताए जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या दो पर, आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या दो है, क्रम संख्या लिखा हुआ, पाठ का नाम है रखा गया या हटाया गया यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तावित कालांश आपके स्कूल में कितने कालांश में पढ़ा जाएगा, अंक भार यहाँ पर बताया है। सबसे पहला है हम पंछी अनुमुक्त गगन के, ये कविता आपके कोर्स में है, इसको किताब आप निकाल करके उसके अंदर राइट लगा दीजिए वीडियो रोक करके, और उसके बाद में आप देख सकते हो ये 13 कालांश में पढ़ा जाता है और आपके 9 नंबर का है। उसके बाद में दादी माँ कहानी आपके हटा दिए, इसको क्रॉस लगा दो। तीसरा आपके हिमालय की बेटियां निबंध है, ये आपके कोर्स में है, इसके कालांश जो है आपके 14 है और ये 10 नंबर का है। और आपके जो है इसके बाद में चौथा पार्ट है कठपुतली कविता, ये हटाया गया, इसको आप क्रॉस लगा दो अपने बुक में। और पांचवा है मिठाई वाला कहानी, ये आपके कोर्स में है, 14 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 अंक निर्धारित है। इस तरह से आपके पहले के राइट लगा दो, दूसरे को क्रॉस लगा दो, तीसरे के राइट लगा दो, चौथे के क्रॉस लगा दो और पांचवें के राइट लगा दो। यहाँ से आपके पांच में से तीन पार्ट आपके कोर्स में है, दो हटा दिए दूसरा और चौथा। तो हम आपको बता दें हमारे चैनल पर कक्षा छठी से दसवीं तक संस्कृत पाठ्य पुस्तक किताब के सारे पाठ प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हमारे चैनल पर, चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको सारा सारा अध्ययन कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्क्रीन पेज संख्या तीन पर, यह आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या तीन है। यहाँ पर हिंदी विषय के छठे से लगाकर दसवें पाठ तक यहाँ बताया गया है। छठा पाठ है रक्त और हमारा शरीर निबंध है, ये हटा दिया गया, इसको क्रॉस लगा दो अपनी बुक के अंदर। जो अनुकर्मणिका है शुरुआत में इंडेक्स है उसमें, और उसके बाद में सातवां पाठ है पाप खो गए नाटक, ये आपके कोर्स में 18 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है। और आठवां पाठ है शाम एक किसान कविता, हटाया गया है, ये आपके क्रॉस लगा दो। नौवां है चिड़िया की बच्ची कहानी, ये हटाया गया, इसको क्रॉस लगा दो। दसवां अपूर्व अनुभव संस्मरण है, ये 14 कालांश में पढ़ा जाएगा और 9 नंबर का ये आपके कोर्स में है, यानी यहाँ से केवल सातवां और दसवां कोर्स में है, छठा आठवां और नौवां हटा दिया गया है। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या चार आपको दिख रही है, यहाँ पर 11वां पाठ है रहीम के दोहे कविता, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। 12वां कंचा कहानी है, ये आपके हटा दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस लगा दो। और 11वां जो 13वां है आपके एक तिनका कविता, ये 13 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है, ये आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 14वां आपके खान पान की बदलती तस्वीर निबंध आपके हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस लगा दो। 15वां नीलकंठ रेखा चित्र है, ये आपके 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है, इसको राइट लगा दो। तो आपके 11वें 12वें को क्रॉस लगा दो, वो आपको नहीं पढ़ना है, 13वां राइट लगा दो, 14वें के क्रॉस लगा दो, 15वां राइट लगा दो, यहाँ से केवल 13वां और 15वां पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं स्क्रीन पेज संख्या पांच पर आपको जो है दिखाते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पेज संख्या पांच पर 16 से 20 पार्ट हिंदी के देख सकते हो कक्षा सातवीं का। 16वां भोर और बरखा, ये आपके हटा दिया, ये 48% में आता है तो इसको क्रॉस लगा दो। 17वां आपके 52% में आता है जो कोर्स में, वीर कुंवर सिंह इसकी जीवनी, 14 कालांश में पढ़ा जाएगा, 10 नंबर की, इसके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, राइट लगा दो। 18वां संघर्ष के कारण तुकुन मिजाज साक्षात्कार, 14 कालांश में पढ़ा जाएगा, 12 नंबर का, इसको राइट लगा दो। उसके बाद में आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा, हटा दिया, आपको ये नहीं पढ़ना है। 20वां विपल्व गायन, ये आपके 13 कालांश में पढ़ा जाएगा, 8 नंबर का, इसको राइट लगा दो। यानी कि 17वां 18वां और 20वां को राइट लगा दो और 16वां 19वां को क्रॉस लगा दो, वो आपके कोर्स में नहीं है। हिंदी पूरी होगी, अब आपके सामने इंग्लिश है। स्क्रीन पेज संख्या छह आपके सामने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम कक्षा आपके साथ, विषय सब्जेक्ट आपका इंग्लिश,
ओनिकॉम है जो यहाँ पर आपके सातवीं कक्षा की इंग्लिश के बारे में स्क्रीन पेज संख्या 7 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आपको हिंदी बताया, अब आपको इंग्लिश बता रहे हैं। इंग्लिश के बाद में आपको संस्कृत बताएंगे, फिर विज्ञान और फिर उर्दू। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में विस्तार रूप से देख सकते हो कौन सा हटाया कौन सा नहीं हटाया, सीरियल नंबर में पाठ का नाम संख्या लिखी हुई है, नेम ऑफ चैप्टर के अंदर पाठ का नाम लिखा हुआ है, स्टेटस के अंदर यह बताया गया है कि आपके कोर्स में है या नहीं है, और एलोकेटेड पीरियड के अंदर कितने पीरियड में पढ़ा जाएगा, और एलोकेटेड मार्क के अंदर आपको बताया जाएगा कितने नंबर का। पहला है 3 क्वेश्चंस, यस ये आपके कोर्स में 18 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा, और 14 नंबर का है पोएम आपके द स्क्वायरल, ये आपके कोर्स में है जो 2 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 2 नंबर का है। दूसरा लेसन है आपके, दूसरा पार्ट है गिफ्ट ऑफ चैंपल्स, ठीक है ना, ए गिफ्ट ऑफ चैंपल्स, ये आपके कोर्स में है, ये 25 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 18 नंबर का है। इसके बाद में आपकी है पोएम आपके द रेबल आपके कोर्स में है, ये 3 कॉलम्स में पढ़ी जाएगी, 3 पीरियड में पढ़ी जाएगी, आपके एक दिन में 3 पीरियड ले टॉपिक पे पढ़ी जा सकती है, 2 नंबर की है। उसके बाद में तीसरा आपके गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये आपके रिमूव कर दिया मतलब हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। और तीसरे की जो पोएम है द सेड, ये भी हटा दिया रिमूव कर दिया है, REMOVED रिमूव यानी हटाया गया, इसको आप नहीं पढ़ोगे तीसरे पार्ट को। चौथा है द आसेज दैट मेड थ्री ब्लूम, ये भी आपके कोर्स में है, इसको पढ़ना है। और इस चौथे का जो है आपके पोएम है वो आपके चीवी आपके यस कोर्स में है, ये 3 पीरियड में पढ़ी जाएगी और 2 नंबर की, ये आपको पढ़नी है। चौथा लेसन जो था आपको 25 लेसन में पढ़ा जाएगा और 20 नंबर का सबसे अधिक बड़ा चौथा पार्ट आपके 20 नंबर का है। और पांचवा पार्ट है क्वालिटी आपके कोर्स में है, ये आपको 20 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 16 नंबर का है। और उसके बाद में है पोएम आपके ट्रीज, ये भी कोर्स में है, 3 कॉलम्स में पढ़ी जाएगी और 2 नंबर की है। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 8 है, ये आपके इंग्लिश की एक्सपर्ट डिट्रेक्टिव्स आपके रिमूव कर दिया छठा पार्ट, ये आपको पढ़ना नहीं है। पोएम आपके मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, ये भी रिमूव कर दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी छठा पार्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना है। सातवां है इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क, यस ये आपको पढ़ना है, 18 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा, 9 नंबर का है, ये आपके बुक में राइट लगा दो। पोएम आपके डेड एंड द केट एंड द ट्री, ये आपके कोर्स में है, आपके 4 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 2 नंबर का, इसको राइट लगा दो। आठवां लेसन आपके फायर फ्रेंड्स एंड फॉय, ये आपके रिमूव कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। पोएम आपका मिडो सरप्राइजेज, ये आपके रिमूव कर दिया, ये नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर आठवां और छठा पार्ट नहीं पढ़ना है, उसको क्रॉस लगाना है। सातवां आपको पढ़ना है, उसको राइट लगाना है। नौवां आपके ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, ये आपके पढ़ना है, यस लगाया हुआ है, 20 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है। तो यहां पर आप देख सकते हो पोएम इसकी गार्डन स्नेक, ये आपके यस 1 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 1 नंबर का है। नौवां आपके राइट लगा दो, उसको पढ़ना है। दसवां पार्ट है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, ये आपके रिमूव कर दिया, क्रिकेट अभी नहीं खेलना है, टाइम बहुत कम रहा है आपके कोरोना के कारण, वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया। तो दसवां आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस लगा दो, आपके छठे आठवें और दसवें को क्रॉस लगा दो। इसी के साथ में इंग्लिश आपका पूरा हो गया, चलते हैं संस्कृत की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 9 आपके सामने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र आपका 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम, यहाँ पर विषय संस्कृत है। जी हाँ, रुचिरा द्वितीय भाग, कक्षा आपकी 7वीं। तो यहाँ पर हम आपको संस्कृत का बताएंगे कि आपको संस्कृत में कौन कौन से पाठ हटाए हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल का नाम है KK शिक्षा गुरु संस्कृत, यानी कि संस्कृत को समर्पित। तो इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक पूरी की पूरी संस्कृत के सारे के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं। तो आपके 7वीं की संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, केवल संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 15 पाठ ही नहीं पढ़ाए हुए हैं, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाई हुई है। आप हमारे चैनल की इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि वहां पर क्लिक करके आपके कक्षा का जो कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आपके 15 के 15 पाठ आपके सामने होंगे। उसके अंदर से जो जो आपके कोर्स से हटाए उसको नहीं पढ़ना, और जो जो कोर्स में है उसको पढ़ना है। उसके अलावा आप इस डिस्क्रिप्शन को दिबा करके, और उसके बाद में जो आया आपके जो कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण लिखी है उसको दबाएंगे तो उसके अंदर 30-40 टॉपिक है, सारे के सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने चाहिए, एक एक टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंदर। ये देख लीजिए आपके संस्कृत की क्रम संख्या पाठ के यहाँ पर लिखे हुए पाठ और विषय वस्तु का नाम लिखा, विधा आपके लिए हुए सत्र 2020-21 में रखा गया और हटाया गया, यहाँ पर बताया अपेक्षित कालांश कितने में पढ़ा जा सकता है, अंक बार बताया। सबसे पहला पाठ है शुभाष सिद्धांत पद्य आपके रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, 17 कालांश लिखे हुए हैं और 11 नंबर का है शुभाष सिद्धांत पहला पाठ। दूसरा है दुर्बुद्धि विनिश्चित, ये कथा ग्रंथ है और ये रखा गया है, 17 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है।
और ये हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तीसरा स्वावलंबन कथा है, ये 18 कालांश में पढ़ा जाएगा और 13 नंबर का है, ये भी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, आपके कोर्स में राइट लगा दो। चौथा है हास्य बाल कवि सम्मेलन, बहुत ही रोचक पाठ है, पद्य पाठ है, हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, 18 कालांश में पढ़ा जाएगा और 13 नंबर का है, हमारे चैनल पर एक ही वीडियो में पढ़ाया हुआ है। पांचवा पाठ पंडित रमेश भाई निबंध आपके हटा दिया, इसको नहीं पढ़ना है, यहाँ से केवल आपको 1 से 4 तक पढ़ना है जो हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 11 आ गई और यहाँ पर 6 से 10 पाठ तक बताया हुआ है। संस्कृत का 6 पाठ है सदाचार पद्य, आपके हटा दिया, इसको नहीं पढ़ना है। 7वां संकल्प सिद्धिदायक है, हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि हमारे चैनल पर 6, 7, 8 सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं। 8वां त्रिवर्ण ध्वज है, संवाद है, ये भी संवाद कैसे करते हैं बच्चे आप, उसमें संस्कृत में बताया हुआ है लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, हो सके तो आप पढ़ लेना लेकिन नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। 9वां एम अपि विद्यालयम गमिष्यामि में संवाद आपके 17 कालांश में पढ़ा जाएगा, 12 नंबर का हमारे चैनल पर पढ़ाई हुआ, आप पढ़ सकते हो, ये आपके कोर्स में है। 10वां भी विश्व बंधुत्व आपके कोर्स में है, निबंध है, 18 कालांश में पढ़ा जाएगा, 13 नंबर का, यहाँ से केवल आपके 9वां और 10वां कोर्स में है। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 12 है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पाठ यहाँ पर बताया जाएगा। 11वां पाठ है समवायु ही दुर्जय, ये कथा आपके कोर्स में है, 17 कालांश में पढ़ी जाएगी, 11 नंबर की, राइट लगा दो। 12वां क्रॉस लगा दो, विद्याधनम पद्य आपके हटा दिया। 13वां अमृतम संस्कृतम निबंध है, 20 कालांश में पढ़ा जाएगा, 15 नंबर का, राइट लगा दो। और 14वां अनारिका या जिज्ञासा निबंध आपके हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। 15वां लालन गीत है, ये गीत है, ये भी हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो 11 से 15 तक आपको 11वां और 13वां दो ही पाठ पढ़ने हैं, यहाँ से आपके 11वां और 13वां दो ही पढ़ना है, 12वां, 13वां और 15वां हटा दिया है। इस तरह से कोरोना के कारण जो टाइम वेस्ट हो गया तो यहाँ पर आपके काफ़ी है, 48% कोर्स कम कर दिया है लगभग, और 52% ही आपको पढ़ना है। तो ये इसी के साथ में आपकी संस्कृत पूरी होगी। चलते हैं अब आगे के सब्जेक्ट की ओर। जी हाँ, ये आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 13 है और ऊपर देख सकते हो कक्षा 7 विषय विज्ञान 48% कम किया गया कोर्स। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम यहाँ पर बताएंगे। कक्षा 7 विषय आपका विज्ञान। तो इससे पहले हमने सबसे पहले आपको हिंदी का बताया, उसके बाद में आपको इंग्लिश का बताया, फिर संस्कृत का बताया, अब आपको यहाँ पर विज्ञान का बताएंगे, विज्ञान के बाद में आपको उर्दू का बताएंगे। इसी तरह से एक दूसरा वीडियो बना हुआ, वहाँ पर वो सामाजिक और गणित का बहुत अच्छे विस्तार से बना हुआ है, कक्षा पहली से लगाकर 12वीं तक पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पेज संख्या आप 14 आपके सामने। यहाँ पर विज्ञान विषय का आपके शुरू हो रहा है, अध्याय का नाम लिखा हुआ है, अध्याय की संख्या लिखी हुई है, घटक लिखा हुआ है, अनुमानित कालांश लिखा हुआ है, हटाया गया नहीं हटाया गया वो भी लिखा है, अनुमानित अंक भी लिखे हुए हैं। अध्याय 1 आपके पादपों में पोषण, ये आपके हटा दिया गया है, 0 नंबर इसका है, तो इसको आप क्रॉस लगा दो अपनी विज्ञान की बुक निकाल करके, और दूसरे को राइट लगा दो क्योंकि प्राणियों में पोषण ये आपके कोर्स में है। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधाएं ये आपके कोर्स में है। 2.2 मानव में पाचन ये भी आपके कोर्स में है। 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन राइट है, और 2.4 अमीबा में संभरण व पाचन ये भी आपके कोर्स में है। 8 कालांश लगेगी और 6 नंबर का दूसरा अध्याय है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 15 की ओर, यहाँ पर आपके अध्याय 3 है, रेशों में वस्त्र, रेशों से वस्त्र तक ये आपके हटा दिया। तीसरा, चौथा देखिए ऊष्मा, 4.1 गर्म व ठंडा आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो क्योंकि किसी पार्ट के बीच बीच में से छोड़ा गया। तो यहाँ पर 4.2 ताप मापन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 4.3 प्रयोगशाला तापमाप, ये आपके हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण, ये आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 4.5 सर्दियों में गर्दियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, ये आपके क्रॉस लगा दो, ये हटा दिया। तो यहां पर 4.3 और 5 हटा दिया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पेज संख्या 16 आपके सामने, अध्याय आपके 5वां है, अम्ल एवं क्षारक और लवण आपके सामने है। यहाँ पर 5.1 अम्ल और क्षारक आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 5.2 हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 5.3 उदासीकरण आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 5.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, ये भी आपके कोर्स में, राइट लगा दो। यानी 5वां पार्ट पूरा का पूरा आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। ये 12 कालांश में पढ़ा जाएगा और 8 नंबर का है। अब आपके सामने अध्याय 6 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, 6.1 भौतिक परिवर्तन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 6.2 रासायनिक परिवर्तन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 6.3 लोहे में जंग लगना आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 6.4 आपके क्रिस्टलीकरण हटाया गया, इसको आप क्रॉस लगा दो। 6.4 आपके कोर्स में नहीं है, ये कुल आपके 6 कालांश लगे और 4 नंबर का। यहाँ पर 6.1, 6.2, 6.3 कोर्स में, 6.4 आपके कोर्स में, उसको क्रॉस लगा दो। 6 पार्ट को डिवाइड करना है। यहाँ आपके सामने 17 स्क्रीन पेज संख्या 17 है और 7वां अध्याय है, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। यहाँ पर 7.1 मौसम आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 7.2 आपके जलवायु कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 7.3 जलवायु और अनुकूलन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। ये आपके
14 कालांश में पढ़ा जाएगा और आपके 10 अंक का है। तो आगे देखते हैं स्क्रीन पेज संख्या 18 पर, यहाँ पर अध्याय संख्या 8 है, पवन तूफान और चक्रवात 8.1 वायु दाब डालती है। ये आपके कोर्स में राइट लगा दो 8.2 पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। ये आपके कोर्स में राइट लगा दो 8.3 गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। राइट लगा दो कोर्स में है 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। राइट लगा दो कोर्स में है 8.5 तड़ित झंझावर चक्रवात आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो 8.6 चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो 8.7 प्रभावी सुरक्षा उपाय आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो 8.8 उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायक सिद्ध हुई है, ये भी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। यहाँ पर आपके 12 कालांश लगेंगे कुल और ये आपके 12 नंबर का ही है। तो आठवां पाठ आपके अध्याय पूरा का पूरा कोर्स में है, 8.1 से लगाकर 8.8 तक पूरा का पूरा कोर्स में है। कुछ पाठ होते हैं जो बीच में से आधे नहीं होते हैं, आधे होते हैं, जो होते हैं उनको पढ़ना है, जो नहीं होता है उनको नहीं पढ़ना है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 19 की ओर, यहाँ पर अध्याय 9 मृदा आपके पूरा का पूरा हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। अध्याय 10 आपके जीवों में श्वसन, यहाँ पर 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं आपके कोर्स में राइट है, राइट लगा दो। यहाँ पर 10.2 श्वसन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 10.3 हम श्वास कैसे लेते हैं, ये आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 10.4 हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, ये राइट लगा दो, ये आपके कोर्स में है। 10.5 अन्य जंतुओं में श्वसन आपके कोर्स में राइट लगा दो। 10.6 जल में श्वसन, ये भी आपके राइट लगा दो, ये भी कोर्स में है। 10.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं, राइट लगा दो। सारा का सारा 10वां पाठ आपके कोर्स में 14 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 20 की ओर, यहाँ आप देख सकते हो अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन, यहाँ पर 11.1 परिसंचरण तंत्र आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 10.3 पादपों में पदार्थों का परिवहन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। ये कुल आपके 16 पीरियड में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है। अब आपके जो है 11वां पाठ हो गया, 12वां देखते हैं पादप में जनन, यहाँ पर 12.1 जनन की विधियां आपके कोर्स में राइट लगा दो। 12.2 लैंगिक जनन आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। 12.3 फल और बीज का विकास, ये भी कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 12.4 बीज प्रकीर्णन आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। ये 18 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है। तो यहाँ पर 11वां और 12वां पाठ आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो, उसके अंदर जो पॉइंट है उनको भी राइट लगा दो। यहाँ पर अध्याय आपके गति एवं समय आपके विज्ञान के अंदर है, 13.1 मंद एवं तीव्र आपके कोर्स में राइट लगा दो। 13.2 चाल आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 13.3 समय की माप आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 13.4 चाल मापना आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 13.5 दूरी समय ग्राफ आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। ये 13वां पार्ट पूरा का पूरा कोर्स में है, जो 14 पीरियड में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का आपके पूरा का पूरा कोर्स में राइट लगा दो। यहाँ पर आपके जो 14वां पाठ है विद्युत धारा और उनके प्रभाव आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 14.1 विद्युत अवयवों के प्रतीक आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 14.2 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 14.3 विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 14.4 विद्युत घंटी आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 8 कालांश में पढ़ा जाएगा, कुल 6 नंबर का है। तो 13वां और 14वां पाठ दोनों कोर्स में, उसको राइट लगा दो। यहाँ स्क्रीन पेज संख्या 22 आपके सामने, यहाँ पर 15वां पाठ है प्रकाश, प्रकाश के अंदर जो भी आपके पूरा कोर्स में 15.1 प्रकाश सरल रेखा से अनुदिश गमन करता है, राइट लगा दो। 15.2 प्रकाश का परावर्तन, राइट लगा दो। 15.3 दक्षिण या वाम आपके, राइट लगा दो। 15.4 गोलीय दर्पणों से खेल, राइट लगा दो। 15.5 लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 15.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, राइट लगा दो। ये 15वां पूरा का पूरा आपके कोर्स में 15.1 से लगाकर 15.6 तक पूरे पूरे आपके कोर्स में 10 पीरियड से पढ़े जाएंगे और 6 नंबर के हैं। चलते हैं अगले स्क्रीन पेज संख्या 23 की ओर, यहाँ पर आपके स्क्रीन पेज संख्या 23 आपके सामने है, जो 16वां पाठ है जल एक बहुमूल्य संसाधन। 16.1 कितना जल उपलब्ध है, राइट लगा दो कोर्स में। 16.2 जल की अवस्थाएं, राइट लगा दो कोर्स में है। 16.3 जल एवं महत्वपूर्ण स्रोत, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। और 16.4 भौम जल स्तर का अवक्षय, सॉरी इसके अंदर 16वां पाठ पूरा का पूरा कोर्स से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर अंक और वो नहीं दिया हुआ, इसलिए 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 जल का वितरण, 16.6 जल प्रबंधन, 16.7 आपकी भूमिका, 16.8 पादपों पर जल की कमी का प्रभाव, ये पूरे के पूरे हटा दिया। आपको क्रॉस लगाना है, 16.1 से लगाकर 8 तक पूरा का पूरा कोर्स क्रॉस लगाना है, यानी 16वां पाठ पूरा का पूरा कोर्स से हटा दिया। इसी के साथ में विज्ञान विषय आपका पूरा हो गया है।
तो चलिए चलते हैं उर्दू की ओर। स्क्रीन पेज संख्या 24 पर आपके उर्दू शुरू हो जाएगी। जी हाँ, कक्षा 7वीं से उर्दू 48% कम किया गया कोर्स। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम। कक्षा आपकी 7, विषय उर्दू, जान पहचान आपकी किताब का नाम, पूर्णांक आपके 100 नंबर। तो यहां पर आपको स्क्रीन पेज संख्या दिख रही है, उसी तरह से आगे स्क्रीन पेज संख्या बढ़ती जाएगी और हम आपको बताते जाएंगे। यहां पर हमने आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान का बताया, उसी तरह से एक अलग से वीडियो बनाया, उसके अंदर हमने सामाजिक और गणित का बताया। संस्कृत आपके है नहीं, इसलिए आप लोग देख सकते हो वहां पर कितना कोर्स कम किया हुआ है। तो हम आपको आगे से आगे बताते रहेंगे कि कौन सा सबक आपके कोर्स में और कौन सा सबक नहीं है। जो सबक आपके कोर्स में है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि कोरोना के कारण काफी टाइम वेस्ट हो गया। जो सबक आपके कोर्स में है वही पढ़ना है, जो सबक आपके कोर्स में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 25 की ओर। यहां पर आपको आगे क्रम संख्या में पाठ की संख्या दी हुई, सबक का नाम या विषय वस्तु का नाम दिया है, रखा गया या हटाया गया, यहां पर बताया कालांश आपके दिए, कितने कालांश में पढ़ा जाएगा, और उसके बाद में अंक बार दिया है। पहला है मेरा हिंदुस्तान वतन रखा गया है, इसको 14 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है, राइट लगा दो अपनी किताब के अंदर। और दूसरा है अपना कार्य खुद करो, यह भी रखा गया है, 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 12 नंबर का है। तीसरा है कुनैन, ये हटा दिया, ये इसको आपको क्रॉस लगाना है किताब के अंदर। और उसके बाद में चौथा है हर इंसान बराबर, यह भी हटा दिया, इसको भी क्रॉस करना है। पांचवा है सादगी, ये रखा गया है, 14 कालांश में पढ़ा जाएगा और 14 नंबर का है। इस तरह से यहां आपके 1 से 5 सबक बताए गए हैं। पहला सबक रखा गया, राइट लगा दो। दूसरा सबक रखा गया, राइट लगा दो। तीसरा सबक नहीं रखा गया, उसको क्रॉस लगा दो। चौथा सबक नहीं रखा गया, उसको क्रॉस लगा दो। पांचवा सबक रखा गया, उसको राइट लगा दो। ठीक है ना, यहां पर पहला, दूसरा और पांचवा सबक रखा गया है, उसको राइट लगा दो। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 25 पर, सबक संख्या 6 से 10 तक। यहां पर सबक 6 आगरे का सफर रखा गया, उसको राइट लगा दो। 13 कालांश में पढ़ा जाएगा और 14 नंबर का है। सातवां सबक है बसंत आपके हटाया गया, उसको क्रॉस लगा दो अपनी बुक के अंदर। और आठवां है तोते की चालाकी, रखा गया है, 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 अंक का है, तो आप इसको राइट लगाएंगे। और उसके बाद में नौवां है कोलतार हटा दिया पाठ आपके, ये आपके क्रॉस लगा दो। उसके बाद में दसवां है पानी आपके रखा गया है, 14 कालांश में पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है। तो इस तरह से जो रखा गया है उसी को ही आपको पढ़ना है, जो नहीं रखा गया उसको आपको नहीं अध्ययन करना है। तो यहां पर छठे से लगाकर दसवें तक आपके 6 रखा गया है, राइट लगा दो। सातवां नहीं रखा गया, क्रॉस लगा दो। आठवां रखा गया, राइट लगा दो। नौवां नहीं रखा गया है, उसको क्रॉस लगा दो। दसवां राइट लगा दो, वो आपके रखा गया है। तो चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 27 की ओर। यहां पर आपके 11 से 15 तक बताया गया है। 11वां है चांद बीबी, यह हटाया गया, इसको क्रॉस लगा दो। 12वां आपके कौन बड़ा, ये रखा गया है, इसको राइट लगा दो। 14 कालांश में पढ़ा जाएगा, 8 नंबर का है। 13वां आपके कलम आपके रखा गया है पाठ, उसको 13 कालांश में पढ़ा जाएगा और 8 नंबर का है। उसके बाद में 14वां है सोने का चूहा, ये आपके रखा गया है और ये 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 6 नंबर का है। 15वां पैदल से हवाई जहाज हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना, यानी 11वां और 15वां नहीं पढ़ना है। और 12वां 13वां 14वां ये 3 पढ़ने हैं, उसको राइट लगा दो। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 28 की ओर। यहां पर आपको दिख रहा है अंतिम पेज आपके सामने है, 16 से लगाकर 20 पाठ तक आपको बताएंगे। 16वां पाठ नीलगंगन में तारे, ये आपके हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में 17वां मौका परस्त आपके हटा दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 18वां आपके परिंदों का सैदाई, ये रखा गया है, इसको आपको पढ़ना है, ये 15 कालांश में पढ़ा जाएगा और 8 नंबर का है। और 19वां है उर्दू जवा हमारी, ये हटा दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। 20वां चिड़िया घर की सैर, ये भी हटा दिया, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी 16 से लगाकर 20 तक केवल आपको 18वां पाठ पढ़ना है, 18वां सबक पढ़ना है, बाकी सारे सबक आपको छोड़ देने हैं। वो कोरोना के कारण टाइम वेस्ट हो गया, उसकी वजह से उसको नहीं पढ़ना है। इसी के साथ में आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।